आज हम दसवें पायदान से पांचवें पायदान पे हमारी इकोनॉमी आ चुकी है और बहुत जल्द हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जबकि ये सच्चाई है कि आज पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है और चाहे भारत के बाहर भी जितने प्रवासी भारतीय एनआरआई रह रहे हैं, दे आर डीपली कंसर्न। अगर भारत विकास करता है, भारत आगे विकास करता है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी होगा। हम लोग वी आर द बिजनेसमैन। आज यूएई और इंडिया के बीच पिछले 5 साल के दौरान इतने सारे एफटीए एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों कंट्री के बीच कि बहुत सारी सुविधाएं हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जिसका कि बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है, कॉमर्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है, और चाहे यूएई के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं, इसका फायदा दोनों देश के लोगों को हो रहा है। उसी तरह बाहर और भी जितने कंट्री हैं उसके साथ भी जो भारत का ताल्लुकात हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए एग्रीमेंट, बहुत सारे एग्रीमेंट आपस में हुए हैं जो दोनों देश के इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। तो हम विकसित भारत की जो बात कर रहे हैं, विकसित भारत ऐसे नहीं हो जाएगा, इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं यहाँ की सरकार को। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा सरकार आए, ट्रस्ट वर्दी सरकार आए, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा हो। जिन्होंने लोगों का भरोसा जीता है तो वैसे लोगों ही दोबारा उनको चांस दे जो कि ट्रस्टेड है, जिनका क्रेडेंशियल लोगों के हाथ में है। तो हम देश के लोगों से यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर दें जो कि ट्रस्टेड है और 10 साल का रिकॉर्ड आपके पास। उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है। इकोनॉमिक्स भी ठीक नहीं कर पा रहा है, बाहर से जो पैसा जो आ रहा है उसको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको ठीक तरीके से और यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ जो था वो बढ़ रहा है, घट रहा है, फिजिकल डेफिसिट ठीक नहीं हो रहा है। इन दिस सिचुएशन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट्स टू टॉक? यू नो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। What I would like to say is, first of all, we have to create a functional society and a functional nation. And this is what I feel happy about, that Prime Minister Modi has tried to do, and he has been partially successful. But you have inherent problems within this system. For example, my question to you would be, how you can compete in a globalized world with all these kind of reservations and quotas, a politics of appeasement and politics of these reservations and so on. No other country can afford to do that. If you have to compete with the rest of the world and you can succeed, you have the capability, you have to promote merit in the society, at the government level, at the level of economy, at every aspect of life. If you would promote merit, you would be able to compete with the rest of the world. Otherwise, you would not succeed. Import export bill ka jo hal hai, usko nibhana bahut zaruri hai. Import export bill ka agar matlab balance nahi raha hai, to desh ka economy kaise theek rahega? Question one. Dusra ye hai ki jo abhi jo conflict chal raha hai, Russia aur Ukraine ka jo conflict chal raha hai, usme Russia se bhi tel aa raha hai. इधर से भी हम तेल ले रहे हैं, तो इस तरह से रशिया को भी पैसा देना पड़ रहा है, इधर वो बाहर जहाँ से भी पैसा उस तेल के लिए पैसा दे, तो सिचुएशन ऐसा है कि तेल के लिए पैसा देना है कि देश को संभालना जरूरी है। आपने कहा कि रशिया के साथ भी आ रहा है, यूक्रेन के साथ भी आ रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोदी जी, द प्रेजेंट गवर्नमेंट। कभी एक टाइम होता था कि यूएसए कहता था कि अगर आप रशिया के साथ संबंध रखेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, एंड लिटरली दे आर डूइंग ऑलवेज। आप कभी भी यूएसए के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते थे, बट दिस इज द डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नरेंद्र मोदी जी। कि आज इंडिया का संबंध यूएसए के साथ भी है,
रसिया के साथ भी है और यूक्रेन के साथ भी है और बाकी यूरोपियन देश के साथ भी है। ही इज नॉट ओनली पॉलिटिशियन, ही इज ए ग्रेट बिजनेसमैन एंड ही इज वर्किंग लाइक ए सीईओ ऑफ द कॉर्पोरेट। जो हमें बेस्ट रेट देगा उसके साथ हम धंधा करेंगे। तो आज हम रसिया के साथ बेस्ट प्राइस में हम तेल लेते हैं, यूएसए के साथ बेस्ट निगोशिएशन हम करते हैं। तो दिस इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नरेंद्र मोदी। सो आई से देयर इज नथिंग रॉन्ग टू कीप द रिलेशन विद द रशिया, यूक्रेन एंड यूएसए। दिस इज द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड दिस इज द ग्रेट डिप्लोमेसी ऑफ द नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।